अपने दर्शकों को अवगत करा दे। बड़ी खबर देखिएगा आपके चारों ओर स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर जो आज देवघर से जहां पर बूथ नंबर डेर से शुरू हुआ है वोटिंग। बता दें आपको बूथ नंबर 238 पर ईवीएम खराब, देर से शुरू हो पाएगा मतदान। तो उस वक्त की बड़ी खबर अब आपके साथ साझा कर रहे हैं जो देवघर से निकलकर सामने आ रही है। देवघर के बूथ संख्या 238 पर ईवीएम खराब होने की खबर निकलकर सामने आई है और ईवीएम की खराबी की वजह कर देर से शुरू हो पाएगा मतदान, यानी कि जो 7 बजे का समय था उस वक्त मतदान शुरू नहीं हो पाया क्योंकि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी देखी गई, जिसके बाद प्रशासन भी वहां पर पहुंची और ईवीएम को लगातार ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये जो खबर है वो बूथ नंबर 238 की है, जहां बूथ संख्या 238 से ये खबर निकलकर सामने आई जहां पर ईवीएम खराब हो गया और ईवीएम की खराबी की वजह कर मतदान जो है वो देर से शुरू हो पाएगा क्योंकि मतदाता ईवीएम में ही अपना मत का दान करेंगे, इसलिए जो मतदान की प्रक्रिया है उस बूथ पर थोड़ा देरी से शुरू हो पाएगा। ये खबर निकलकर सामने आ रही है देवघर से। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर आज झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। कई बूथों पर मतदान किए जा रहे हैं, लेकिन बात अगर देवघर के बूथ संख्या 238 की जाए तो वहां पर ईवीएम में कुछ खराबी देखी गई, जिसकी वजह कर देर से शुरू हो पाएगा मतदान, यानी कि सुबह 7 बजे का जो समय दिया गया था उस वक्त मतदान शुरू नहीं हो पाया। ईवीएम को लगातार ठीक करने की कोशिश की जा रही है, ईवीएम की खराबी की वजह कर देर से शुरू हो पाएगा मतदान। आज झारखंड लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है क्योंकि आज झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और शाम 5 बजे इसी के साथ दूसरे और अंतिम चरण का के मतदान की भी समाप्ति हो जाएगी। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता कुंदन जुड़ गए हैं। जो कुंदन, देवघर के बूथ संख्या 238 से खबर निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर ईवीएम खराब हो गया है, क्या जानकारी? जी हाँ बिल्कुल सभा, जिस तरीके से मॉकपोल की जो बात सामने आई थी तो मॉकपोल में यह पता चला कि ईवीएम जो है बूथ संख्या 238 उर्दू उच्च विद्यालय के पास का जो बूथ है वहां पे ईवीएम खराब होने की बात सामने आई थी। हालांकि चुनाव आयोग की तत्परता और जिला प्रशासन की तत्परता के बाद जो है अविलंब वहां पे सेक्टर मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, उसके बाद जो संबंधित जो टेक्निकल इंजीनियर थे वो इस पूरे प्रकरण को देखे और फिर ईवीएम को ठीक किया गया और उसके बाद जो है अब सुचारू रूप से वहां मतदान शुरू हो गया है। अभी वहां पर सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ वहां सही चल रहा है और यह कह सकते हैं कि आगे आने वाले जो समय होंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग अपने घरों से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान की प्रक्रिया जो है उसको अपनाएंगे। हम अभी दूसरे बूथ पे मौजूद हैं और ये कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है धीरे धीरे करके जो है लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं अपना मतदान करके। हालांकि अभी चूंकि ठंडी के मौसम है तो इसके कारण मतदाताओं में थोड़ा सा शोरगुल ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, कतारबद्ध तरीके से जो होना चाहिए था वो नहीं, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि 9 बजे के बाद जो है पंक्तियां जो है काफी लंबी देखने को मिलेगी, जो विजुअल्स होंगे वो काफी अच्छे होंगे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के। जी बिल्कुल कुंदन, हम भी आशा करते हैं कि मतदान प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चले। बहुत शुक्रिया आपका कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। एक बार फिर हम रुख करेंगे प्रकाश का जो लगातार हमारे साथ झरिया से बने हुए हैं। वैसे आपको बता दें कि आज जो है झारखंड में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारियां कर ली थी और प्रशासन जो है वो एक्टिव मूड पर नजर आ रही थी। अब जो है वो प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई, सभी राजनीतिक दलों ने अपना दमखम लगा लिया, खूब जोर आजमाइश हुई, बयानबाजी हुए, दावे और वादे हुए और अब बारी आती है जनता की।